नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया के कर्मियों का बड़ा शुक्रिया करता हूं। कोविड के ऐसे दौर पर भी आप अपना कीमती वक्त, कीमती समय निकाल के जो कवरेज के लिए आते हैं, आपका दिल की गहराइयों से मीडिया के कर्मियों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, मेरे साथ युवा कांग्रेस के जिला के उप जिला अध्यक्ष हैं और युवा कांग्रेस के साथी, आज युवा कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद ये था आज आपके सामने आने का। जब से लॉकडाउन के दौरान जम्मू को राहत दी गई है, पर ड्यू टू बिजनेस क्राइसिस सिटी के लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी सरकार के आगे भी और प्रशासन के आगे भी मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। हमारे जो सिटी के दुकानदार हैं, वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं इस कोविड के दौरान में, क्योंकि उनका खासा काम नहीं चल रहा। कुछ लोगों का, हमारा स्कूल्स का सीज़न लगाते थे, स्कूल्स के कॉलेज के शुरू हो जाने के मतलब तरीके से वहाँ पे सिटी में लोग आते थे, शॉपिंग करते थे, शादियों के दिनों में लोग वहाँ पे शादी करते थे, जिस दौरान लोगों को वहाँ का खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं सरकार को मांग करना चाहता हूँ और प्रशासन से भी, सिटी के दुकानदारों को बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनके लिए कोई ना कोई, उन्होंने एडवांस टैक्स पर माल लिए हैं, एडवांस GST पर माल लिए हैं, और उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी नीति बनाई जाए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ काम चल सके, अपने मुलाजमों को तनख्वाह दे सकें, अपने बच्चों की फीस डिपॉजिट कर सकें। दुकानदार बहुत परेशान हैं, सिटी में अक्सर ट्रांसपोर्ट ना चलने के कारण दुकानदार सफ़र कर रहा है। और आप अगर देखेंगे तो क्राउड की बात करेंगे, अगर किसी चीज़ की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि 50% को अलाउड किया जाता है शादी में, पर मैं कहता हूँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे क्राउड नज़र आता है। सब्ज़ी मंडी को देखिए या कहीं भी देखिए, और मैं कहता हूँ जिनके पास कैपेसिटी है वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को शादी करने की इजाज़त दी जाए, कुछ कुछ लोगों की, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, ताकि लोगों की खरीदारी में थोड़ा योगदान रहे और दुकानदारों को भी कुछ ना कुछ राहत मिल सके। और दूसरा हमारा जो इशू था ये कि जो लेबर तबका है वो सारा अपने आप अपने बाहर अपने घरों में चला गया है, जिस दौरान जम्मू सिटी में लेबर की बहुत शॉर्टेज है, और लेबर तबका जो है मनचाहा रेट चार्ज कर रहा है। जो एक मिस्त्री 600 रुपया लेता था, आज 800 रुपया ले रहा है, और जो लेबर 400 रुपया लेती थी, आज 600 से 650 रुपया मांग रहा है, और जो लोग हैं कहीं 800 रुपया देकर भी काम करवा रहे हैं। पर मेरा इस वक्त में कहना है कि गरीब व्यक्ति को इसका बहुत नुकसान होगा, गरीब व्यक्ति के लिए काम कराना बहुत मुश्किल होगा। सरकार को और प्रशासन को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, एक फिक्स प्राइस रेट लिस्ट बनानी चाहिए कि एक जो मिस्त्री है उसका क्या रेट होगा, लेबर का क्या रेट होगा, उसी रेट पे वो रेट चार्ज किया जाए और अननेसेसरी रेट चार्ज ना किया जाए।